कहते हैं डिप्लोमेसी की जो भाषा होती है, कूटनीति की जो भाषा होती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए पीएम मोदी की बातों, उनके संदेश को देश हित में अब आसान शब्दों में कैसे समझा जाए, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आप 48 घंटे के लिए मोदी का मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। एससीओ पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर एससीओ में कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी घेरेबंदी की है, उसको अलग थलग किए, आइसोलेट किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल भी यह मसला जोर शोर से उठाया जाएगा। चीन को अपने साथ लेकर के पीएम मोदी पाकिस्तान के आतंक का मुकाबला करेंगे। मतलब पाकिस्तान को लेकर चीन को बताया कि ये देखिए, ये है पाकिस्तान। पीएम मोदी ट्रेड वॉर का मुद्दा भी उठा सकते हैं। चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर से दुनिया भर में दिक्कतें हो रही हैं। रूस चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर रिश्ते करने की बात वो रखेंगे। रूस और चीन के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और मध्य एशिया में भारत की स्थिति मजबूत करने की भी वो अपनी कोशिश करेगा। अब ये समझिए कि पीएम मोदी ने आज अपने दोस्तों से क्या बात की। देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई और बातचीत का बड़ा एजेंडा रक्षा आतंकवाद आपसी सहयोग रहा। पीएम मोदी इस साल व्लादिवोस्तोक भी जाएंगे। पीएम मोदी की आज सबसे पहली मुलाकात हुई चीन के प्रेसिडेंट के साथ राष्ट्रपति शी। यह राष्ट्रपति शी के साथ मोदी की बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय बातचीत हुई। मसूद को ग्लोबल आतंकी ऐलान के बाद यह पहली मुलाकात थी और पीएम ने कहा थैंक यू। बिल्कुल, चीन का धन्यवाद भी किया गया। इससे पहले पिछले साल पीएम मोदी शी जिनपिंग 5 बार मिले थे और आप जानते हैं कि मसूद अजहर को लेकर चाइना ने टेक्निकल होल्ड हटा लिया था, इस वजह से प्रधानमंत्री ने चीन को थैंक यू कहा। बिल्कुल, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। अफगानिस्तान में शांति विकास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और अफगानिस्तान में आतंकी वापसी ना हो, ये भारत की प्राथमिकता है और इसी पर ही ये बातचीत आगे बढ़ेगी। मोदी के एससीओ में पहुंचने से पहले कल कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था नकोटा अनंतनाग में, उसका असर भी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में दिखाई दे रहा है और कल दूसरे दिन भी आप ये समझिए कि जरूर दिखाई देगा, क्योंकि पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से पाकिस्तान के खिलाफ साफ साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, तभी बातचीत का माहौल बन सकता है। कल अनंतनाग में सीआरपीएफ के 5 जवानों के परिवार पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें, शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही स्टैंड उनका रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान भी पाकिस्तान के रवैये की चर्चा की गई। हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं बिश्केक से, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से। सिद्धांत, व्लादिमीर चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे बातचीत हुई, बातचीत जो है निकल कर आई खबर की पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा। व्लादिमीर पुतिन से जो बातचीत हुई है उसमें क्या निकल कर देखिए जी, व्लादिमीर पुतिन से जो बातचीत हुई थी उसके अंदर फोकस डिफेंस पे था कि कैसे दोनों देशों के बीच जो डिफेंस टाइज है उन्हें स्ट्रेंथन करा जाए। और मैं आपको बता दूं कि अमेठी में एक जॉइंट इंडिया रशिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिससे बहुत सारी रिफिल्स बनाई जाने की कोशिश की जा रही है, AK-47 AK-209 बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। रशियन प्रेसिडेंट को बताया कि ये एक अच्छा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। पर उसके अलावा एक अनाउंसमेंट ये हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिवोस्तोक जाएंगे। ये एक शहर है, ईस्टर्न रशियन शहर है, वहां जाएंगे सितंबर में अपनी एक यात्रा के लिए, बायलैटरल यात्रा के लिए। अभी तक मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच फोन पे बातचीत हो चुकी है 2 बार इस साल। ठीक है सिद्धांत, एक चीज और इससे पहले कि मैं आपका थैंक यू कहूं कि अगर बायलैटरल टॉक्स पहले होती हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से मिलता है, और पहले अगर टॉक को चीन के आगे बता देता है, यानी कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और पाकिस्तान उसके एजेंडे में साफ। जी मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जी मीडिया ने ही पूछा था और इसका जवाब जब फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया तो उन्होंने जो जवाब है उस जवाब में एक तरफ से एक मैसेज था चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि थोड़े दिन पहले चीन ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, तो उसको लेके प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा चीन के राष्ट्रपति को कहा कि हमने कोशिश की थी आपसी जो मसले हैं वो सुलझाने की, पर पाकिस्तान अपनी करनी से बाज नहीं आता। दूसरा जो पाकिस्तान को एक तरफ से मैसेज है वो मैसेज ये है कि टॉक्स एंड टेरर
यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता और पाकिस्तान को आतंकी जो गुट हैं जो अपनी टेरिटरी में उन पे एक्शन लेने की कड़ी जरूरत है। और एक तरह से ये एक टोन भी सेट करता है कल के लिए, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट दिन होगा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 19वां शिखर सम्मेलन शुरू होगा, सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक होगा। और इस इनफॉर्मल समिट जो फॉर्मल समिट है इसके अंदर 8 देश शामिल होंगे, शिरकत होंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी होंगे उस रूम में। पर देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिसाइड होगा। जहां तक मैसेज आज जो दिया है फॉरेन सेक्रेटरी ने, उससे तो सीधा सीधा ये समझ आता है कि वो जो पॉलिसी है मोदी सरकार की 2014 से, आतंकवाद और जो बातचीत है वो एक साथ नहीं चल सकती है। वो मेरे ख्याल से नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत, क्योंकि एयर स्पेस भी, पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया किर्गिस्तान जाने के लिए। ओमान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री ने बता दिया कि आतंक मुक्त माहौल बनाए पाकिस्तान, जो बनाता नजर नहीं आ रहा है, आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर बातचीत होगी तो होगी कैसे।